रिलायंस जियो एक बार फिर टेलीकॉम मार्केट में तहलका मचाने की तैयारी कर रहा है। इस बार रिलायंस जियो जुलाई के महीने में अपना नया मोबाइल लॉन्च कर सकता है। एक खबर के मुताबिक जियो के नए 4G फोन की कीमत 500 रुपए से भी कम हो सकती है। इसकी घोषणा रिलायंस जियो की मदर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की 21 जुलाई को होने वाली मीटिंग में की जा सकती है। इसके अलावा रिलायंस जियो एयरटेल आइडिया वोडाफोन की कमर तोड़ने के लिए अगले 2 महीने में जियो के नए टैरिफ प्लान्स भी लॉन्च कर सकते हैं। ये टैरिफ प्लान जियो के धन-धनादन ऑफर की तरह हो सकते हैं। जियो का ये 500 रुपए से भी सस्ता फोन फीचर फोन होगा। ये 2G इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छा विकल्प होगा। ये 2G के यूजर्स को 4G नेटवर्क का इस्तेमाल करने का विकल्प देगा। आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने लॉन्चिंग के बाद पहले तो फ्री में अपनी सेवाएं दी। इसके बाद कंपनी ने बहुत सस्ते में समर सरप्राइज ऑफर और जियो धन-धनादन ऑफर लॉन्च कर दिए थे। इसके तहत कंपनी की सभी सेवाएं 3 महीने तक मिली। अब जियो के यूजर्स की सर्विसेज खत्म होना शुरू हो गई है, क्योंकि शुरुआत में जियो समर सरप्राइज ऑफर लेने वालों की वैधता खत्म होने वाली है। वहीं इस महीने आखिर तक जियो के धन-धनादन ऑफर की वैधता भी खत्म हो जाएगी और जियो ने अभी तक किसी भी नए ऑफर का ऐलान नहीं किया है।